हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर यदि आप लोगों ने इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। दोस्तों, ये बेस्ट तरीका है आपके एग्जाम इस बार 2022 एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करने का। इस बार के एग्जाम के पैटर्न में आपको पता है कि चेंजेस हुए हैं, 2020 का सभी सेक्शन होगा, तो आपको इस बार कोशिश करना है कि रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है किसी भी हालत में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। और ये पेपर आपका 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया 2021 में, उसका ये रियल क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे सभी क्वेश्चन आपको क्लियर और स्पष्ट दिखाई देंगे। देखते हैं इसमें क्या बोला है। आरेख में वृत्त सब्जियों को बताता है। तो वृत्त जो है ये सर्कल है, किसको बता रहा है, ये सब्जियों को बता रहा है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, सब्जियों को ये बता रहा है। आगे क्या बोला है, त्रिभुज जड़ों को बता रहा है। तो त्रिभुज कहाँ है, यहाँ है, ये किसको बता रहा है, जड़ों को बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ग कठोर मृदा को बता रहा है। वर्ग कहाँ है, ये है आपका, ये किसको बता रहा है, कठोर मृदा को। ध्यान से देखिएगा इसको, कठोर मृदा को बता रहा है। आगे क्या बोला है, और आयत क्या बता रहा है, गर्मियों को, ठीक है। तो ये है आपका आयत, इसको ध्यान से देखिएगा, गर्मियों को ये बता रहा है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर, देखिए क्या पूछा इसमें। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जी, ठीक है, जड़ भी आना चाहिए सब्जी भी आना चाहिए, को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है। तो गर्मियों वाला भी आना चाहिए लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है, तो ध्यान में आपको रखना है, वो आपको लेटर चुनना है जो जड़ भी होना चाहिए सब्जी भी होना चाहिए और गर्मियों में उगता है वो भी होना चाहिए, लेकिन ये कठोर मृदा में नहीं होना चाहिए। तो एक ही लेटर आपको नजर आ रहा होगा, डी, ठीक है। डी जो है वो तीनों में है, गर्मी सब्जी और जड़ों, लेकिन ये कठोर मृदा वाला सर्कल में नहीं है, यानी कि स्क्वायर में ये डी नहीं है, और यही आपसे पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपको यहां से क्वेश्चन सभी स्पष्ट दिखाई देंगे, इसको सॉल्व कीजिए। क्या बोला है, ब्लॉक को ये लिखा है LBPKC, तो मार्जिन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं, ब्लॉक BLOCK, ब्लॉक को क्या लिखा है, देखते हैं, L लिखा है, B लिखा है, P, K और C लिखा है। तो किस प्रकार से लिखा है आप इसको देखते जाइए। तो देखते हैं, यहां देखिए लास्ट लेटर इसका क्या है, K है ना, K के बाद क्या आता है, L आता है, तो यहां फर्स्ट में लिखा है, ठीक है। K के बाद L आता है, फर्स्ट में लिखा है, यानी कि प्लस का वन किया है। ध्यान से देखिएगा इसको, उसके पहले के पहले देखिए क्या है, सी है, और इसका यहाँ देखिए क्या लिखा है, सी का कोड बी, यानी बी जो है वो सी से पहले आता है, तो यहाँ माइनस का वन हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या हुआ है, वो है, ठीक है, वो का कोड इसमें क्या लिखा है, पी, वो के बाद क्या आता है, पी आता है, यानी कि प्लस का वन किया है, ठीक है। एल है, एल को क्या लिखा है, यहाँ देखिए के लिखा है, यानी कि के जो है वो एल के पहले आता है, तो माइनस का वन किया है। तो ये पैटर्न है, प्लस का वन माइनस का वन, प्लस का वन माइनस का वन। उसी तरह देखिए, बी है, बी को सी लिखा है, यानी प्लस का वन किया है, तो आपको पैटर्न नजर आ गया। उसी तरह से हम इसको लिखेंगे मार्जिन को, तो मार्जिन को देखते हैं क्या इसका कोड आता है, MARGIN, ठीक है। लास्ट वाला फर्स्ट में लिखा है और प्लस वन, एन को हम प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, वो आता है, तो यहां लिखेंगे वो आ गया। फिर माइनस का वन करेंगे, आई में माइनस वन करेंगे तो एच आएगा, फिर प्लस वन, जी में प्लस वन करेंगे तो फिर एच आएगा, आर में माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। फिर ए में प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, और एम में माइनस वन करेंगे तो एल आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो एच एच क्यू बी एल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसको देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका, आप सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, एक बड़ा सा हम बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से कर दिए कुछ इस तरह से। अब देखिए, नंबर लिखा हुआ है यहाँ कितना, 13 है, फिर आपको दे रखा है 26 है, फिर कितना है, 39 है, आगे आपका 30 है, 42 है, क्वेश्चन मार्क है, यही वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ क्या है, 17 है, और यहाँ 16 है, 15 है। अब इसको देखिए किस तरह से हम इसको
क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो गौर से देखिएगा, ये नंबर फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स इन दोनों को अगर यदि हम जोड़ते हैं, 13 और 17 को जोड़ेंगे तो बीच वाला नंबर हमको मिल जाएगा 30। 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इस वाले सेकेंड वाले बॉक्स में 26 और ये 16, इन दोनों को जोड़ेंगे 26 + 16, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बीच वाला यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी तरह इसको भी लिखिए, 39 और 15 को जोड़िए, 9 और 5 14 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5, 54 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर का सवाल है, पेपर फोल्डिंग वाला है। देखिए पहले क्या किया है, लास्ट वाला आप देखिए कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से है और यहाँ गोल है और यहाँ इस तरह से किया हुआ है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे, जिस तरह से मोड़ा है उस तरह से खोलते जाएंगे, तो कुछ इस तरह एक बनेगा, इस तरह से बनेगा और इस तरह से, यहाँ भी वही साइन होगा, ठीक है, लेकिन साइन यहाँ क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यहाँ गोल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट इधर, यहाँ गोल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ भी गोल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जिस तरह से पेपर फोल्ड किया उस तरह से खोलते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी पिक्चर वाला सवाल है। देखिए पिक्चर यहाँ इस पोजीशन में है, ठीक है, अगले में क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, एक इस कॉर्नर में कर दिया है और इस पिक्चर को उलट दिया है, आगे फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में कर दिया है, तो लास्ट जो होगा वो ये कॉर्नर से कहाँ जाएगा, आपका ये फिगर में यहाँ होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये फिगर में यहाँ होगा और कुछ इस तरीके से होगा, किस तरीके से, देखिए जो छायांकित भाग है वो इस साइड होगा क्योंकि ये पलटते जा रहा है, ठीक है, इस तरह से होगा, और देखिए यहाँ एक लाइन है, आगे इसको बढ़ा दिया है और यहाँ कर दिया है 2 लाइन, फिर इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ कर दिया 3 लाइन, फिर यहाँ हम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ आपका हो जाएगा कितना लाइन, 4 लाइन। तो इस तरह का कहाँ आपको फिगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो देखते हैं आगे ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ये 4 लाइन है और इस कॉर्नर में फिगर है और छायांकित भाग बाईं तरफ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, पिक्चर वाला सवाल आसान होता है, आप उसको देख के ऑब्जर्व करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, क्या बोला है, 5 मित्र हैं, P Q R S और T दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, 5 मित्र हैं, तो सबसे पहले हम 5 मित्र को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सब दक्षिण दिशा की ओर है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया, 5 मित्र हो गए और सभी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए सबका मुख हम दक्षिण दिशा की ओर कर दिए। आगे देखिए पढ़ते हैं, क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, क्यू जो है वो पंक्ति के मध्य स्थान पर है, तो 2 आप इधर से छोड़ दीजिए, 2 आप इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में आपका यहाँ आ जाएगा क्यू, ठीक है, तो क्यू कहाँ बैठेगा, बीच में। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पी जो है वो पश्चिमी सिरे पर बैठा हुआ है, तो ये है आपका पश्चिमी सिरा, यानी कि क्या है, वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है, पूर्वी सिरा, ठीक है, तो ये पश्चिमी सिरा पर बोला है, तो पी आपका यहाँ बैठ जाएगा पश्चिमी सिरे पर। आगे देखते हैं, टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, अगर यदि क्यू यहाँ है तो अगर यदि इसके हम दाईं ओर बैठाते हैं तो टी और आर 2 व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही जगह खाली है तो इस ओर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टी और आर जो है वो क्यू के बाईं ओर होंगे और यहाँ 2 जगह भी बच रहा है, यहाँ तो 2 व्यक्ति यहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि टी कहाँ बैठेगा और आर कहाँ बैठेगा। तो आगे पढ़ते हैं, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और आर के बीच में 2 होना चाहिए, तो पी आपका यहाँ है, ठीक है, पी आपका यहाँ है, तो 2 व्यक्ति 1 2, आर आपका यहाँ हो जाएगा, और यहाँ बोला है कि टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, तो क्यू यहाँ हो गया, तो आर यहाँ हो गया, तो टी कहाँ हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये हो गया, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, ये है आपका क्यू, ये है आपका पी, तो इसके बीच में कौन बैठा है, तो जो व्यक्ति बच गया है वो बैठ जाएगा आपका एस, ठीक है, तो पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको देखिए, इस सवाल को करने का कोशिश कीजिए, इसमें क्या दे रखा है, क्या बोला है, माइनस का अर्थ है जोड़, ठीक है, तो जिस तरह से है उस तरह से आप लिखते जाइए, 240 है 240 लिखिए, उसके बाद यहाँ गुना का साइन है, और गुना का अर्थ देखिए यहाँ क्या लिखा है, गुना का अर्थ घटाना है, तो यहाँ आप माइनस का साइन दीजिए, फिर 72 लिखिए, आगे देखिए क्या है, प्लस है, और यहाँ देखिए प्लस का अर्थ क्या है, भाग है,
तो यहाँ आप डिवाइड का साइन दे दीजिए, ठीक है, कितना है 8 लिखिए। फिर आगे देखिए क्या है, भागा है, तो भागा का अर्थ क्या होता है, गुना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गुना लिखा हुआ है, तो यहाँ हम गुना का साइन देंगे, 24 लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे है माइनस 6, तो माइनस का अर्थ होता है जोड़, यहाँ देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ जोड़ का साइन देंगे और 6 लिखेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, 240 माइनस 72 और भागा 8, गुना का 24 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, तो इसको काटिए, 8 9 72, 9 बार में जाएगा और 24 को 9 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 9 चक 36, 9 दूना 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 216 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस जो है वो 240 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, 246 हो जाएगा, कितना 246, 246 में 216 जाएगा कितना बचेगा, 30 बचेगा, तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, 8 नंबर देखिए, ये सिलॉक्स का सवाल है, इसको करिए, क्या बोला है, सभी नीले सफेद हैं, सभी नीले, नीले को केवल N लिखिए, सभी नीले जो हैं वो सफेद हैं, इस तरह से आप डायग्राम बनाइए, कुछ सफेद स्लेटी हैं, कुछ सफेद जो हैं वो क्या हैं, स्लेटी हैं, इसको आप ऐसे लिखिए, कुछ सफेद स्लेटी हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए, सभी स्लेटी सफेद हैं, सभी स्लेटी नहीं, कुछ स्लेटी सफेद हैं, ठीक है, सभी नहीं है, इसलिए पहला आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीला नहीं है, ठीक है, सभी स्लेटी नीला के अंदर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत है, दोनों अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है, इसको करिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए, दूसरा है ओडिशा, ओडिशा का संबंध किससे है, भुवनेश्वर से है, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर होती है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, जिसकी राजधानी आइजोल होगी, तो मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है, आप सभी को ही जानते हैं मिजोरम की राजधानी आइजोल, तो यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, आप इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए कि 20 में से 20 रीजनिंग में आप लाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको स्कोर करना ही पड़ेगा 20 आउट ऑफ 20, एक बेहतर स्कोर करने के लिए। इस बार का कट ऑफ आप देख चुके होंगे कि किस तरह से गया है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और मजबूत करना है, एक बेहतर लेवल तक ले जाना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, 10 नंबर क्या है, एरो को क्या लिखा है, फूज लिखा है, और जर्म को थोर लिखा है, तो मूवर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं करना इसमें, ARROW, एरो को क्या लिखा है, फूज लिखा है, FOO, ठीक है, SE, और जर्म को क्या लिखा है, GERM, जर्म को लिखा है THOR, तो आपसे क्या पूछा है, मूवर का कोड क्या होगा, MOWER, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, A के सामने F लिखा हुआ है, तो A का कोड F हो गया, R का O का कोड S हो गया, और W का कोड E हो गया, उसी तरह G का कोड T, E का कोड H, R का कोड O और M का कोड R है, ठीक है, उसी तरह यहाँ लिखिए M, M कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो M का कोड क्या है, R है, यहाँ उसके नीचे देखिए R है, तो R यहाँ लिखेंगे, वो का कोड क्या है, वो कहाँ आपको दिख रहा है, ये वो का कोड क्या लिखा है, S लिखा है, तो S लिखेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या है, W है, ठीक है, W कहाँ है, यहाँ आपको दिख रहा है, इसका कोड क्या लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, तो यहाँ हम E लिखेंगे। उसके बाद क्या है, E है, ठीक है, E कहाँ है, E यहाँ है, जम्स में, E का कोड क्या लिखा है, H लिखा है, उसी तरह R का कोड वो हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, RSEHO, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए 31 लिखा हुआ है, 31:90, तो 31 को हम किस प्रकार से 90 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम 43 को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखेंगे। तो देखते हैं 31 को अगर यदि हम 3 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 31 तीय कितना हो जाएगा, 93 होता है, और इसमें माइनस 3 कर देंगे तो हमको 90 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम इसमें करके देखते हैं, कितना है, 43 को गुना 3 से करते हैं, ठीक है, तो 43 तीय कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 12, 129, और माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है,
तो ये पैटर्न इसमें नहीं है। अब इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए 31 से 90, 31 से कितना 90 कितना इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो 31 में अगर यदि हम 59 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 हमको दे देगा, ठीक है। उसी तरह अगर यदि हम 43 लिखा हुआ है, 43 में अगर यदि हम 59 को जोड़ते हैं, ठीक है, 59 को जोड़ेंगे 43 59 कितना हो जाएगा, 9 3 12 5 4 9 और 1 10, 102 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, 31 में कितना जोड़े कि 90 आ जाएगा, जितना का अंतर आएगा 43 में उतना जोड़िएगा तो आपको 102 मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। जब किसी संख्या को इसके 5 के गुणज और इसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन उठाते हैं 4 7, ठीक है, 7 ये संख्या है। इसका 5 गुणज, 7 का 5 गुणज कितना होता है, 7 5 35 होता है, तो 35 लिखें। आगे क्या बोला है, और इसके वर्ग को जोड़ा जाता है, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 49। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 91 आना चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 9 कितना आ जाएगा, 21। 1 4 और 3 7 और 2 9, 91 आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप ऑप्शन उठा करके हीट एंड ट्रायल से कीजिए, बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसको करिए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, उस समूह अक्षर का चयन करें जो असंगत है, जो इनमें से इन चारों में से कोई एक अलग है उसको आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए देखिए, क्या लिखा हुआ है, क्यू आर एस, एकदम सीरियल से, क्यू के बाद क्या होता है आर, आर के बाद होता है एस, इस तरह से लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 देखिए, एच के बाद क्या होता है आई, और आई के बाद क्या होता है जे, एकदम सीरियल से लिखा हुआ है। 4 देखिए, डी के बाद क्या आता है ई, और ई के बाद क्या आता है एफ आता है। लेकिन आप यदि ऑप्शन 2 को देखिएगा तो लिखा हुआ है एन एम और पी लिखा हुआ है, जबकि एन के बाद क्या आता है, एन के बाद वो आता है, ठीक है, तो वो होना चाहिए, जबकि क्या लिखा हुआ है एम लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या है असंगत है, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिया इज माई कंट्री, इसका कोड दे रखा है, ठीक है। सेम इज माई फ्रेंड, इसका भी कोड दे रखा है, माई कंट्री का कोड दे रखा है, टीम इंडिया का भी कोड दिया हुआ है। तो उस कूट भाषा में कंट्री का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो कंट्री आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें देखिए माई कंट्री है ना, और यहाँ देखिए लिखा हुआ माई कंट्री, इसमें भी है, एक में इसमें माई कंट्री, इसमें भी माई कंट्री, और इसमें भी संख्या है 7 3, इसमें भी है 7 3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि माई कंट्री, ठीक है, माई कंट्री का कोड क्या है, 7 और 3 है, 7 और 3, लेकिन कौन कंट्री का कोड है ये हमको नहीं पता चल रहा है। आगे देखिएगा तो सैम इज माई फ्रेंड, तो माई यहाँ है, ठीक है, और माई इसमें भी है, और माई इसमें है, 3 में आपको माई नजर आया, इसमें भी 3 है संख्या, इसमें भी आपको 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसमें भी 3 है, तो माई का कोड हो गया क्या 3, बच गया जो 7, वो कंट्री का कोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या है, क्या बोला है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये फिगर आपको किसमें दिख रहा है, यहाँ देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं, इस तरीके से कुछ इस तरीके से है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है, इसको देखिए। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए एस के एच पी एम जी, तो इस सब का हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं कि एस कितना नंबर पर आता है, के कितना नंबर पर आता है, तो उसी तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। एस आपका आता है कितना नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर, ठीक है। के उसके बाद के आता है आपका कितना नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर, और एच आता है आपका 8 नंबर पर। उसके बाद लिखा हुआ पी, ठीक है, पी कितना नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। एन कितना नंबर पर, 13 नंबर पर आता है, और जी कितना नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। इसमें पैटर्न देखिए क्या हो रहा है, 19 से हो जा रहा है 16 यानी कि माइनस का 3, 11 से 13 हो जा रहा है यानी कि प्लस का 2, और 8 से 7 हो जा रहा है माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। तो उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, एम है, एम कितना नंबर पर आता है, एम आता है आपका 13 नंबर पर, वो आता है 15 नंबर पर, और एफ कितना नंबर पर आता है आपका, एफ आता है आपका 6 नंबर पर। लिखा हुआ उसके बाद जे,
जे आता है आपका कितना नंबर पर, 10, और क्यू आता है आपका 17 नंबर पर, और ई आता है आपका 5 नंबर पर। तो देखिए 13 से 10 माइनस का 3 यहाँ हुआ है, और 15 से 17 प्लस का 2 हुआ है, और 6 से हो गया 5 यानी माइनस का 1 हुआ है। पैटर्न क्या चल रहा है इसमें, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 चल रहा है। उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, क्या लिखा हुआ, जे क्यू और ई लास्ट में यही लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो पहले क्या करते हैं, माइनस का 3 करते हैं, तो जे में हम माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, जे कितना नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, 10 में माइनस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 नंबर पर आपका जी आता है। अब क्यू, क्यू में क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, क्यू 17 नंबर पर आता है, अब इसमें प्लस का 2 करेंगे तो 19 हो जाएगा जो कि एस आता है। ई में माइनस का 1 करेंगे, ई आता है आपके 5 नंबर पर, इसमें 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा जो डी आएगा। तो इसका जी एस डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आसान सवाल है, आप इसको कर लीजिएगा। इसमें क्या बोला है कि वर्ड को अरेंज करना है जिस तरह डिक्शनरी में होता है, ठीक है, पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, इसके बाद कौन होगा। तो पहला से अगर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे पी पी सब में है, तो पी से नहीं डिसाइड कर सकते हैं, सेकेंड लेटर देखेंगे, थर्ड लेटर देखेंगे, इस तरह से हम उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, 19 नंबर, इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, इस सवाल को कहते हैं, लिखा हुआ सर्कल को लिखा है ये, ठीक है, तो स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम सबका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, सर्कल यानी सी आ रहा है, सी कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। उसके बाद आई है, आई कितना नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। आर है, आर कितना नंबर पर, 18। फिर सी है, सी आता है आपका 3 नंबर पर। फिर एल है, एल आता है आपका 12 नंबर पर। और ई है, ई आता है आपका 5 नंबर पर। उसको क्या लिखा है, डी एल डब्ल्यू ए एच वाई, तो डी कितना नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, और एल आपका आता है 12 नंबर पर, W कितना नंबर पर आता है, 23 नंबर पर, ठीक है, और ये आपका आता है 1 नंबर पर, H आता है आपका 8 नंबर पर, और Y आता है आपका कितना, 25 नंबर पर। अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, 3 से हो जा रहा है आपका 4, यानी कि प्लस का यहाँ 1 हुआ है, ठीक है, 9 से हो गया है 12, यानी कि प्लस का यहाँ 3 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए इसमें 18 से हो गया कितना, 23, कितना प्लस हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। फिर 3 से हो गया 1, माइनस का 2 हुआ है। 12 से हो गया 8, माइनस का 4 हुआ है। और 5 से हो गया है 25, माइनस का 6 हुआ है, क्योंकि 26 लेटर ही होते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में, तो 5 से अगर हम 25 जाएंगे तो माइनस का हमको 6 करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखा हुआ, एस क्यू यू ए आर ई, ठीक है, जिस तरह से ये पैटर्न हुआ है उसी तरह से पहले प्लस का 1 किया है तो प्लस का 1 करेंगे, एस में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आएगा, ठीक है। फिर क्यू है, क्यू 17 नंबर पर आता है, इसमें प्लस का 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पैटर्न में प्लस का 3 है, तो 17 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20, और 20 नंबर पर टी आता है। उसके बाद प्लस का 5 किया है, ठीक है, यू, यू कितना नंबर पर आता है, 21, 21 में प्लस का 5 करेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 नंबर पर लेटर जेड आता है। उसके बाद माइनस का 2 किया है, ठीक है, ये में माइनस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। फिर माइनस का 4 करेंगे, आर में माइनस का 4 करेंगे तो एन हो जाएगा। फिर माइनस का 6 करेंगे, यानी कि ई में माइनस का 6 करेंगे तो वाई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है। तो इस तरह से अगर यदि हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो पैटर्न हमको खोजने में आसानी होती है और हम तुरंत इसको कर पाते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ये सीरीज का सवाल है। देखिए कितना नंबर दे रखा है, 19 है, फिर आपका कितना है, 23 है, 32 है, 48 है, उसके बाद आपका 73 दे रखा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो देखते हैं, सारे नंबर नजदीक हैं तो अंतर देखते हैं, ठीक है। 19 से हो गया है 23, यानी कि प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। 23 से हो गया है 32, यानी कि प्लस का कितना हुआ है, 9 हुआ है। 32 से हो गया 48, प्लस का कितना हुआ है, 16 हुआ है, ठीक है। 48 से हो गया आपका 73, यानी कि प्लस का कितना हो गया है, 25 हुआ है। तो ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 9 आपका 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो आगे 6 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि प्लस का इसमें 36 हो जाएगा। तो जब 73 में प्लस का 36 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 109, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, ये भी सीरीज का सवाल है। देखिए कितना लिखा हुआ है, 24 है, पहले आपका 24 है, फिर आपका कितना है, 40 है, फिर आपका कितना, 64, फिर आपका 104 दे रखा है,
देखते हैं सारा नज़दीक है, इसमें भी डिफरेंस लेते हैं, 24 से हो गया आपका 40, यानी कि प्लस का कितना हुआ है 16, ठीक है। 40 से हो गया 64, प्लस का कितना हुआ है 24 हुआ है। 64 से 104 हो गया है, प्लस का कितना हुआ है 40 हुआ है। तो यहाँ से कोई पैटर्न हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो डबल डिफरेंस लेके देखते हैं, ठीक है। एक बार और अंतर लेते हैं, 16 से 24 हुआ है यानी कि प्लस का 8, ठीक है। 24 से 40 यानी प्लस का 16, तो यहाँ हमको कुछ नज़र आया कि 8 का यहाँ डबल लिखा हुआ 16, तो 16 का डबल आगे हो जाएगा कितना 32, प्लस का यहाँ 32 करेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, ठीक है। अब 104 में 73 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 176 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था, डबल डिफरेंस देखना था, फिर नंबर क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, उसी तरह से आगे करना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसमें क्या बोला है, दो आपको फलक दे रखे हैं, ठीक है, और क्या पूछा है कि डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन होगा, यानी कि डॉलर के विपरीत कौन सा साइन आएगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो पहले वाले में देखिए क्या है, डॉलर है ना, डॉलर है, फिर है आपका वाई और जेड। दूसरे वाले में क्या है, वाई है, एंड है और है जेड। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले फलक में वाई और जेड दिख रहा है, इसमें भी वाई और जेड दिख रहा है, तो जो सामने सामने दिख रहे होंगे वे कभी विपरीत नहीं होंगे। तो ये डॉलर है, डॉलर के ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। तो एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, आर प्लस एस का अर्थ दिया हुआ है, आर माइनस एस का अर्थ दिया हुआ है, आर गुना एस का अर्थ दिया हुआ। तो आपसे पूछा है टी गुना वी प्लस जेड, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं टी गुना भी, अब गुना का अर्थ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आर गुना एस का अर्थ होता है आर एस का भाई है, उसी तरह टी गुना भी है, तो टी जो है वो भी का भाई हो जाएगा, और भाई को प्लस का साइन देंगे और महिला या स्त्री को माइनस का साइन देंगे। आगे लिखा हुआ है भी प्लस जेड, तो प्लस का साइन देखिए यहाँ दिया हुआ है, आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है, तो यहाँ भी है भी प्लस जेड, तो भी प्लस जेड का अर्थ क्या हो जाएगा, भी जेड की पुत्री है, भी जो है वो जेड की पुत्री है। तो बोला है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, तो जेड के पुत्र हैं टी और जेड की पुत्री है भी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, टी जो है वो जेड का पुत्र है, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 24 इसको देखिए। ये दर्पण से सवाल है, प्रतिबिंब का सवाल है, तो देखिए दर्पण यहाँ दाईं ओर रखा हुआ है, तो सभी लेटर क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, यानी कि एल जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा और एम जो है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, एल से स्टार्ट होगा। तो देखिए आपका ये ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी एम से, तो बच रहा है मेरा 2 और 4, तो एल से स्टार्ट हो रहा है, तो एल के उल्टा किस तरह हो जाएगा, मिरर में कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 में और 4 में एल सेम है, एल के बाद ये भी इस तरह उल्टा हो जाएगा, ए के बाद सी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ठीक है, सी के बाद आपका कितना है 2 है, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, दूसरे नंबर ऑप्शन में भी, 2 के बाद आपका आई है, ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन में देखिएगा 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, तो यही से आप निकाल लीजिएगा, और 2 के बाद यहाँ आई लिखा हुआ है, तो आपको पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अब आते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ये क्या है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का ये भी सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 8 मित्र हैं, नाम दिया हुआ है, सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, 8 मित्र हैं, सभी सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, 1 ठीक है, 2 3 4 हो गया, 5 6 7 और 8, ये 8 मित्र हो गए। अब आते हैं सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, एफ डी और जी के बीच में बैठा है, यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, बी एच और ए के बीच में बैठा है, यहाँ से भी नहीं कर सकते हैं, ई जी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है, जी जो है एक कोई इंड पर बैठा है, या तो इधर बैठेगा जी या इधर बैठेगा, लेकिन यहाँ बोला है देखिए ई जो है वो जी के बाईं से तीसरे स्थान पर है, तो जी आपका यहाँ बैठ जाएगा, तभी इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई यहाँ हो पाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अब इन दोनों को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। देखिए पहले लाइन में देखिए क्या बोला, एफ डी और जी के बीच में बैठा है, एफ जो है वो
डी और जी के बीच में बैठा है, इस तरह से बैठा दीजिए, बैठ गया। अब आगे पढ़िए, आगे देखिए क्या बोला है। एच लास्ट लाइन एच जो है वो सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो एक ही यहाँ स्थान बच रहा है, एच जो है सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर यहाँ हो जाएगा, और कहीं पॉसिबल जगह नहीं बच रहा है। अब इसको देखिए, बी एच और ए के बीच में बैठा है, बी जो है एच और ए के बीच में, तो बी आपका यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, तभी एच और ए के बीच में बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये और ई के बीच में कौन बैठा है, ये आपका ये है और ई है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो तीसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी 25 क्वेश्चन, जो अच्छे तरीके से मैंने आपको सार करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।